कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था और मैंने पूछा था जीटे के अलावा और कौन कौन से गेम खेलूं। भाई हजारों लोगों ने बोला गैस स्टेशन सिम्युलेटर खेलो। तो आप लोगों की बात मान के आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिम्युलेटर। हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिम्युलेटर। तो आज हमारी जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि हम अपने लिए एक गैस स्टेशन खरीद सकें। और इस गेम का मोटिव यही है, कैसे एक आम आदमी अपने लिए एक शॉप खरीद के डे बाय डे उस बिजनेस में मेहनत करके उसको इंक्रीज करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो आज मैं निकल चुका हूँ भाई अपने लिए गैस स्टेशन खरीदने के लिए, मतलब एक सिंपल सी जगह खरीदने के लिए। उसके बाद भाई उस पे मेहनत करेंगे और उसको एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे। चलो भाई, अभी मुझे यहाँ पे एक जगह मिली है जो लिखा हुआ है यहाँ पे फोर सेल। चलो भाई गाड़ी को मोड़ो और ये वाली जगह इसको मैं खरीदता हूँ अपने लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द ओनर ऑफ दिस गैस स्टेशन। ये जगह आज से हमारी हो चुकी है अभी 12 घंटे बाद। मतलब 12 घंटे बाद, मतलब अभी हम ये जगह को, मतलब हमने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के ये जगह हमने अपने लिए ले ली है। बाकी हाँ, अभी फटाफट से ना भाई पहले ये कूड़ा करकट उठाओ यहाँ से। चलो ठीक है, कूड़ा वूड़ा हमने जो है ना भाई अपना साइड पर रख दिया। फटाफट से चलते हैं अपने गैस स्टेशन की तरफ। और भाई इस गैस स्टेशन पर ना भाई इसको खोलते हैं। और ये देखो भाई, जिस बंदे से हमने खरीदा ना उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि यहाँ पे एक डोर लगा सके ताकि कोई चोर वोर ना घुसे ना, इसलिए भाई बंदे ने ये फट्टी वट्टी लगा रखी है, क्या ही बोले यार। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। चलो भाई आप अंदर से देख लो कितना ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है भाई, हमें ये साफ करना है पूरा। एंड साफ वाफ करके हमें अपना गैस स्टेशन चलाना है। और यहाँ पे गाइज ये जो वो वाली जगह जहाँ पे भाई लोग आके अपनी गाड़ी खड़ी करा करेंगे और उसके बाद बेसिकली हमें यहाँ से पेट्रोल उनके डालना है। भाई अभी अपना सिर्फ इतना ही काम है, इसको भाई इतना इंक्रीज करेंगे ना इस बिजनेस को। भाई अभी गेम में ये सिखाया गया कि भाई आप लोग कैसे एक छोटा बिजनेसमैन जो होता है वो अपना एक काम स्टार्ट करता है और डे बाय डे इंक्रीज करते करते उस बिजनेस को कैसे वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनता है। तो भाई ये जो सीरीज है ना ये चलने वाली है। और गाइज फटाफट से लाइक कर दो, 6000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि भाई देखो GTA में आप लोग 17000 लाइक करवा देते हो, इसमें सिर्फ 6000 लाइक का टारगेट रखा है, वो आप लोग प्लीज कंप्लीट करवा दो यार। और भी गेम्स ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट करके और भी गेम्स वेम्स बताओ। चलो ठीक है भाई, अभी हमारा टास्क है ये जो हाई वोल्टेज की वायर्स है ना ये टूटी पड़ी है, इनको रिपेयर करना है ताकि भाई जो अपना गैस स्टेशन है ना वहाँ पे लाइटिंग वगैरह आ सके। रुको रुको रुको, ये ना भाई इधर से लाइट जो है ना वो पूरी खराब हो रखी है। ये देखो भाई जनरेटर को ऑन करना पड़ेगा, शायद इसको ऑन करना पड़ेगा। रुको जरा ऑन करके देखूं, फेड ऑन किया भाई, ये गई सारी की सारी, मतलब ये लाइट वगैरह ऑन हो चुकी है। और एक सेकंड, अभी लाइट आ चुकी है भाई अपने गैस स्टेशन में। चलो ये टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो गाइज अभी चलते सीधा अपने गैस स्टेशन में और फटाफट से ना भाई यहाँ पे हम एक काम करते हैं। रुको रुको, यहाँ पे गाइज हमें एक फोन आ रहा है। रुको भाई किसका फोन आ रहा है, जरा कांग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेस एंड इन्वेस्टमेंट लिटिल नेफ्यू। ओके गाइस, यहां पे हमें एक मेल मिला है और कांग्रेट्स किया जा रहा है हर तरफ से कि भाई तुमने गैस स्टेशन खरीद लिया है। चलो ठीक है भाई, अभी लाइट वाइट आ चुकी है। और यार ये मिट्टी को भी हटाना पड़ेगा, तभी तो लोग भाई यहां पे आके अपना गैस वगैरह करवाएंगे। और गंद देखो भाई अंदर, इसको साफ करना पड़ेगा। और रुको एक मेल आ रखी है, एक सेकंड, एक मेल आ रखी है। रुको मेल किसकी है, ओके भाई ये तो सब कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं हमें। चलो ठीक है, हमें यहाँ पे अभी अपने यहाँ पे गाइज हमें आके अपने मेल्स वेल्स चेक करने और जो भी हमें ऑर्डर वॉर्डर आएगा भाई इसको करो यार, साइड करो यार। क्या बंदे ने भाई गंद डाल के रखा हुआ है, मतलब यार बंदा सफाई वफाई भी नहीं करवाता था भाई, कितना गंदा ही हो रखा है। एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले ना हम लेके चलते हैं ये जेसीबी, मिनी जेसीबी है, और इससे ना भाई वो जो मिट्टी है ना उसको साइड करते हैं ताकि भाई कस्टमर आ सके। और हम जो है, अबे यार इसमें फ्यूल ही नहीं है। अब भाई क्या आदमी है यार, इसके अंदर फ्यूल भी नहीं है, इतना पैसा दिया और सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही है। और मेल्स वेल्स जो है वो कस्टमर्स की आनी स्टार्ट हो चुकी है। रुको यार एक सेकेंड, ये हमने जेरी कैन उठा लिया है, इसके अंदर पेट्रोल होगा, वो जो पेट्रोल है हम जेसीबी के अंदर डालते हैं और मिट्टी विट्टी को ना बिल्कुल साइड पे करते हैं। और मिट्टी साइड करने के बाद उसके बाद भाई लोग, ये देखो भाई वो बंदा आ रहा है बट यहाँ से दूर ही निकल जा रहा है, उसको पता है भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है तो वो बंदा भी क्या ही करे। चलो गाइस पेट्रोल जो है हमने इसके अंदर फ्यूल वगैरह डाल लिया, अभी फटाफट से इसके अंदर डालते हैं फ्यूल एंड स्टार्ट करते हैं अपने काम को। भाई दिन भी हो चुका है, मतलब सुबह होनी स्टार्ट हो चुकी है अभी। बस यार सुबह का सूरज जब भी निकलेगा ना भाई, उससे पहले पहले जो है ना हमें अपना गैस स्टेशन को चलाना है फटाफट से। भाई देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी सुबह हो रही है। रुको 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 यार, मुझे जल्दी जल्दी इस गैस स्टेशन को चलाना है और धीरे धीरे अपने इस बिजनेस को ना बहुत बड़ा करना है। भाई धीरे धीरे हम इम्प्लॉयज़ भी रखेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं।
चलो गाइस ठीक है, मैं अपनी मिनी जेसीबी को लेके आ चुका हूँ। अभी फटाफट से ना ये जो है ना भाई सारी मिट्टी मैंने उठा ली है, इसको थोड़ा अभी साइड पे लेके चलते हैं भाई। अभी चलो गाइस ठीक है, ये मिट्टी को ना हम रखते हैं भाई यहाँ पे नीचे। चलो अभी इसका जेसीबी का काम जो है ना वो खत्म हो चुका है, अभी साइड करो जेसीबी को। अभी फटाफट से ना अपने जो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, इसको करते हैं ओपन। चलो भाई अब जो है कस्टमर आना स्टार्ट होंगे, अब अपना जो बिजनेस है ना वो अभी स्टार्ट होगा। चलो भाई ठीक है यार, भाई बड़ी खुशी हो रही है अंदर से कि हम भाई एक बिजनेसमैन बन चुके हैं भाई, अपना फर्स्ट कस्टमर आ जाए ना बड़ी खुशी होने वाली है। रुको अभी यहाँ पे अपनी मेल वेल चेक करते हैं भाई, एक सेकेंड, मेल वगैरह आ चुकी है, डिलीवरी भाई। ओ हाँ हाँ, हमें भाई फ्यूल चाहिए भाई पहले अपने लिए, एक सेकेंड अभी ना थोड़ा फ्यूल मंगवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना अभी पैसा है नहीं भाई। अब क्योंकि भाई देखो बिजनेस जो होता है ना उस पर जैसे ही आप स्पेंड करते रहते हो तो आपको मोर रिटर्न मिलता है, ऐसा ही कुछ करना है हमें। अभी पहले फ्यूल डलवाएंगे कम, ठीक है, जब कस्टमर आएंगे उनको थोड़ा सा जो हम बेचेंगे उसके बाद थोड़ा अपना मुनाफा भी होगा, एंड उसी मुनाफे से हम जो है पता ही है गाइस आप लोगों को। चलो यार ठीक है, अभी फटाफट से चलते हैं और देखते हैं भाई जो फ्यूल वो आ रही है भाई का ट्रक, वो आ रहा है फ्यूल भरवाने। भाई मुझे देखना है यार कैसे फ्यूल वो भरते हैं। भाई पहला कस्टमर आ चुका है, अरे सर पता नहीं पेट्रोल होगा अभी कि नहीं, अबे यार पेट्रोल ही नहीं है सर, सर अभी हमारे पास पेट्रोल है नहीं, प्लीज यार देखो भाई पहला ही कस्टमर हमसे यार रुस के चला गया यार, बड़ा बुरा लगा। आ जाओ सर, पहले तो आप पेट्रोल डालो, हमारे कस्टमर जा रहे हैं यार, जल्दी डालो भैया। भाई पहला ही कस्टमर हमसे यार नाराज़ होकर चला गया यार, ये बहुत गलत हुआ, बट यार यहाँ पे हमारी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि भाई आफ्टर ऑल पेट्रोल नहीं था। चलो गाइस ठीक है, हमने इसको भाई खोल दिया, अभी पेट्रोल डालना जो है वो अपने इसमें फ्यूल टैंक में ना स्टार्ट हो चुका है। डाल दो भैया फ्यूल वगैरह डाल दो, उसके बाद अभी हम अपने कस्टमर्स को फ्यूल देना स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई इससे बढ़िया सा डलवा लेते हैं पेट्रोल, और चलो भैया पेट्रोल वेट्रोल सब डल चुका है और ये भैया जो अपना जाने वाला है। चलो ठीक है अभी फटाफट से चलते हैं और कस्टमर का वेट करते हैं। एक सेकंड, एक कस्टमर खड़ा है भाई, भाई 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 मैं डालूंगा पेट्रोल, मैं डालूंगा, रुको रुको मैं डालूंगा भैया पेट्रोल, मैं डालूंगा। चलो 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 पेट्रोल डाल दिया और इन्हें पेट्रोल चाहिए। चलो गाइस ठीक है, इन्हें पेट्रोल चाहिए था भाई, और $68 मिल गए हमें। भाई साहब पहला ही कस्टमर पूरी टैंक फ्यूल तो नहीं करवा के गया, मतलब हाफ टैंक तो करवा के गया और हमें $68 मिल चुके हैं। चलो भैया जब तक कस्टमर वगैरह आते हैं तब तक ना एक काम करते हैं, सफाई करना शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे गंद देख रहे हो कितना ज़्यादा डला हुआ है, एंड धीरे धीरे जैसे अपना बिजनेस चलेगा उसके बाद हम मेड वगैरह भी रखेंगे। अभी जैसे धीरे धीरे अपने पास पैसे आते जाएंगे ना अपने ये हट वगैरह को शॉप वगैरह को ना बढ़िया करेंगे यार। भाई कितना गंदा लग रहा है, ये पेंट वेंट करेंगे बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगा यार। रुको मेल चेक करने दो भाई, किसकी मेल आई है, मेल तो नहीं आई, टूल्स आए अभी भाई, हमें टूल्स भी खरीदने पड़ेंगे यार। चलो ये तो हमें फ्री में मिल गया भाई ट्रैश बैग तो। चलो गाइस ठीक है, ट्रैश बैग हमने उठा लिया, फटाफट से ना भाई यहाँ पे सफाई वफाई करते हैं भाई, और कितना गंद डला हुआ यार सही में यार। एक तो भाई ट्रैश बैग जो है वो हमने कर लिया, रुको रुको भाई ये सब कुछ जाने दे अंदर, और रुको रुको भाई ये सब कुछ भाई पूरा ट्रैश बैग भर चुका है, पूरा गंद डलने दे पैंस की इसके अंदर, भाई पूरी सफाई करनी है, उधर भी जाके पूरी सफाई करने वाली है भाई, कितना गंद डला हुआ है। चलो ठीक है धीरे 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 भाई हम सफाई करते जाएंगे, और भाई फ्लोर वो टाइल्स वगैरह लगा के ना मस्त बनाऊंगा, देखना गाइस आप लोग यार भाई बहुत ज़्यादा मस्त बनाएंगे अपने इसको। चलो ठीक है रुको रुको रुको, ओए वेट 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 भैया रुको रुको रुको, मैं पेट्रोल डाल दूँ, पहले पेट्रोल डाल दूँ भाई, बंदा खड़ा है यार एक सेकेंड। चलो ठीक है इसको फटाफट से पेट्रोल डाल देते हैं, ओके चलो। इन भैया ने भाई $73 का पेट्रोल डलवाया है जिसपे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी हुआ है, मतलब भाई साहब ने मैडम जी है ये तो। चलो भाई जब तक कोई और बंदा आता है तब तक करते हैं पहले सफाई वगैरह कर लें, और ये बैग वगैरह को भाई कहाँ इधर डालते हैं यार, कूड़े वाला ट्रक आएगा ना वो उठा के ले जाएगा, और यहाँ पे भाई बहुत गंदा हो रखा है यार ये सब कुछ, इसको भी निकालो यार बाहर, उठा लेना पैस की टंग जिसको चाहिए होगा, यहाँ पे इसको भी उठाओ इसके अंदर डालो। और चलो भाई ठीक है अभी हमने जो है अचीवमेंट अपने अनलॉक कर लिए हैं भाई। चलो ठीक है यार अभी यहाँ पे सफाई भी करते रहेंगे धीरे धीरे, और पेंट वगैरह भी मस्त वाले करने वाले हैं यार हम। गाइस सफाई करते करते ना भाई सुबह से रात हो चुकी है और अभी तक ना भाई यहाँ पे कूड़ा ही साफ नहीं हुआ। ओके ओके सर एक मिनट पेट्रोल डाल देते हैं भाई इसके भी, एंड चलो 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 इसको पूरा करेक्ट पेट्रोल डाल दिया है हमने। चलो भैया अभी ये तो सब कुछ ठीक है, बाकी यार भाई यहाँ पे सफाई होने पे ही नहीं आ रही। चलो भाई ये देखो गाइस अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, यहाँ से मैंने फेंका, ओ भाई कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, ओ भाई कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। चलो ठीक है यार
डालो भाई इसके अंदर, और ये भी उठा के कूड़ा ही कूड़ा हो रखा है भाई। भाई कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, इतना कूड़ा भाई, क्या करूंगा यार मैं इतना कूड़ा, मतलब भाई धीरे धीरे जल्दी जल्दी इसको उठाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को भाई पहले उठाते हैं एंड कूड़े में डालते हैं भाई फटाफट से। चलो भाई कितना ही कूड़ा हो रखा है यार, मुझे तो लग रहा है भाई बिजनेस तो हम बाद में चलाएंगे अपना, पहले तो भाई ये कूड़ा ही इकट्ठा करते करते पता नहीं कितने ही दिन निकलने वाले हैं भाई अपने। ये देखो भाई ये सब कूड़ा भाई साइड करो यार, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने पैसे से अपनी सब चीज़ें बढ़िया तरीके से बड़ा मतलब अच्छा फर्नीचर खरीदेंगे यार। एक सेकंड अपना एक और कस्टमर आ गया भाई, आवाज़ वगैरह भी नहीं लगाते, यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और चलो ठीक है भाई ओके। चलो यार भाई मतलब आवाज़ वगैरह तो लगा दिया करो कि हम आप आ चुके हो भाई, कुछ नहीं भाई यहाँ पे आके आराम से अपना खड़े हो जाते हैं यार। ऐसे कस्टमर्स के लिए ना भाई यहाँ पे शॉप पे कुछ और भी रखेंगे, मतलब जैसे कोई आता है तो उसके लिए भाई कुछ खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम कुछ ऐसा रखना ही पड़ेगा। और ये कूड़ा ही साफ करते करते भाई पूरे 24 घंटे हो चुके हैं मुझे, और ये कूड़ा ही साफ होने पे नहीं आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, मैं क्या ही बोलूं। रुको चलो लास्ट ही था भाई, अभी अपनी जो शॉप है वो पूरी साफ सुथरी हो चुकी है। चलो भैया ओके डन, सब कुछ साफ है। और ये क्या हो रखा है, ये तो भाई ऐसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे पूरी वॉल ही टूट के अंदर गिर गई हो भाई, इसको भी साफ सफाई करवानी पड़ेगी एंड पूरा रिपेयर करवाना पड़ेगा और ये साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, अभी जितना हमने काम करना था भाई कर लिया है, इसको ना फटाफट से हम कर देते हैं क्लोज। चलो अभी अपना गैस स्टेशन क्लोज हो चुका है और इसको सुबह खोलते हैं भाई और चलते हैं सोने के लिए फिर थोड़ी देर के लिए। ओके गाइस सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ भाई, देख रहे हो इतनी गरीबी आ चुकी है, मतलब गद्दा मैट्रेस वगैरह भी नहीं है अपने पास जिसपे मैं सो सकूं भाई आराम से। ये जो कूड़े के डब्बे है ना भाई ये इतने भर चुके हैं ना क्या ही बताऊं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे उठवाऊं, क्योंकि भाई देखो अगर ये जगह बिल्कुल चलती रहती ना तो ये कूड़े वाली जो ट्रक आते हैं ना भाई वो आते रहते, मुझे ना कोई कॉल वॉल करके दोबारा से कूड़े वाले ट्रकों को बताना पड़ेगा कि ये जगह हमने खरीद ली है। और एक तो भाई अपने लिए झाड़ू वाड़ू ब्रूम वगैरह खरीद लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं भाई कुछ और, अभी तो भाई हमने अपने लिए ब्रूम वगैरह ले लिया है एंड अभी ना कॉल करके भाई फ्यूल सप्लाई वालों को भी बोल देते हैं इस बार थोड़ा पेट्रोल जो है वो हम ज़्यादा ही मंगवा लेते हैं भाई, पेट्रोल जो है ना वो इस बार ज़्यादा मंगवा लेते हैं। बाकी भाई चलो अपने गैस स्टेशन को ओपन करने का टाइम आ चुका है भाई, चलो आज दूसरा दिन है जब अपना ये बिजनेस जो है वो ओपन हो चुका है, अभी लोग आएंगे अपना आराम से यहाँ पे पेट्रोल पेट्रोल डलवाएंगे। बाकी चलो अपने पास अभी पेट्रोल की कमी हो गई है, मतलब क्योंकि कल 2-3 कस्टमर आए थे तो हमने पेट्रोल जो है ना वो कम ही ऑर्डर किया था, ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था। एक सेकेंड हमें ना भाई बहुत सारे मेल भी आए हैं भाई, चलो ठीक है अभी हमारा मेल वेल पर ध्यान नहीं है यार, बाद में देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से ना पहले ये सफाई करने वाले, रुको यार भाई बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ रही है, पहले तो एक काम करते हैं जितना भी अंदर गंद पड़ा हुआ है ना सबको उठा के बाहर फेंकते हैं फिर उसके बाद ना भाई सफाई करेंगे। रुको अभी पहले ब्रूम निकाल के मैं उसकी भी उसके साथ भी ये सफाई करने वाला हूँ, रुको भाई ये ट्रक भी आ चुका है इसको भी भाई ओपन करना पड़ेगा, रुको रुको जब तक ये अपने गैस स्टेशन में पेट्रोल मतलब ये जो टैंकर है इसके अंदर पेट्रोल डालता है। भैया आ जाओ यार इधर आ जाओ, चलो ठीक है भाई बंदा तो आ चुका है, अभी फटाफट से इसको ओपन करते हैं ताकि भाई ये इसके अंदर फ्यूल डाल सके और उसके बाद जितने भी कस्टमर आएंगे उनको फ्यूल मिल सके। अरे अरे उधर पेट्रोल डलवाना, इधर भाई कस्टमर भी आ चुका है, रुको यार भैया जी ये लो यार अभी पेट्रोल हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है बट कोई ना आपको जितना आपको चाहिए उतना तो आपको मिल ही जाएगा। चलो ठीक है जाओ आप अपनी गाड़ी लेके, बाकी फटाफट से उधर ऑन कर देता हूँ, बंदा आवाज़ लगा रहा है यार रुक जाओ भैया रुक जाओ, एक ही बंदा हूँ यार मैं, इसको भी भाई ये बंदा खुद ओपन नहीं कर सकता, मुझे बुला रहा है भाई इसको ओपन करने के लिए। चलो भैया जब तक ये पेट्रोल फिल करता है तब तक भाई हम जो अपना सफाई का काम जारी रखते हैं और मैं फटाफट से ना भाई अभी जल्दी ही ना इसका जो है ना इसको पेंट वेंट करवा के बढ़िया बनाने वाला हूँ, मॉल टाइप का बनाएंगे भाई इसको, देखना भाई धीरे धीरे बहुत बड़ा कर दूंगा ये जो सारा ही एरिया है ना इतना बड़ा बना दूंगा भाई इस गैस स्टेशन को। बट हाँ भाई जब पैसे आएंगे तभी ना भाई, अभी तो पैसे की इतनी कमी है क्या ही बोलूं। चलो ठीक है पहले तो ये उतारो भाई जो कितना गंदा लग रहा है भाई, क्यों लगाया यार ये, तो विंडो वगैरह भी देखना मैं कितने मस्त लगाऊंगा भाई। बाकी गाइस अभी तक काफी लोगों ने लाइक वाइक नहीं करा यार, लाइक वाइक कर दो भाई मजा आता है यार, लाइक वाइक जब आप करते हो ना भाई बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। चलो भाई ये जो उठाया है ना इनको फटाफट से डालो इसके अंदर, बैग के अंदर डालो, और भाई रुको 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 चलो 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 ये जो सारे अपने बैग्स के अंदर डालते हैं, रुको सारी सफाई करनी है भाई हमें यहाँ पे, भाई सफाई ही करते रहेंगे मुझे तो लग रहा है 2-4 दिन तो, बट कोई ना भाई रुको भाई, भैया ने भी यहाँ पे पेट्रोल डाल के इसको कर दिया है, बाकी चलो ठीक है भैया भी जा चुके हैं। वेट 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 एक काम कर दो भाई यहाँ पे कितना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है भाई, वो
कूड़ा उठाने वाले को कैसे हम कॉल करें? रुको 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 भाई, एक मिनट, कस्टमर आ चुके हैं, पहले कस्टमर जरूरी है भाई। चलो कस्टमर को ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना था, $27 का ही डलवाना था। चलो यार, हमने जो झाड़ू मंगवाया था ना भाई, टाइम आ चुका है सफाई करने का। चलो भैया सफाई करते हैं, यहाँ पे पूरा गंदी फैल चुका है भाई, क्या ही बोले, पूरी गंदगी हो रखी है। और ये क्या साफ नहीं हो रहा क्या भाई, क्या बात है? ओके भाई, कितना ही कूड़ा इकट्ठा हो रखा है यार यहाँ पे, मतलब कितनी मिट्टी है। बट यार ये सफाई करने का क्या ही अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पूरी सफाई हो रही है। और देखना भाई, सफाई करने के बाद ना ये जगह पूरी मस्त दिखने वाली है। रुको रुको रुको, मैं सफाई कर दूँ भाई, पहले तो देखना फिर आप लोग कितनी ज़्यादा मस्त दिखने वाली है ये जगह। और रुको रुको, मुझे लग रहा है एक और कस्टमर आया, आवाज़ लगा रहा है। रुको पहले तो मैं, नहीं 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 भाई, मुझे ही बहम हुआ है। बाकी देखो भाई कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। बाकी यार जब तक ये साफ़ नहीं होगा ना, तब तक भाई मतलब वो फील ही नहीं आ रहा भाई। रुको अभी रुको, एक सर्विस पे देखते। ओ भाई ओके भाई, हमने एक मेल डाल दिया उनको जो मतलब यहाँ पे आके पेट्रोल डलवाते। रुको ये क्या हो रहा है, एक बंदा आया भाई यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या चाहिए आपको, क्या कर रहे हो? एक सेकेंड भैया बात तो सुनो, क्या करके रहे भाई, ये क्या लिख, पागल हो चुका है क्या ये? एक सेकेंड, ये करके रहा है, ये क्या कर रहा है यार? रुको रुको भाई, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। रुक तेरी पैस की टांग, रुक 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 तेरी ऐसी की तैसी भाई, गाली वाली लिख के चला गया। चलो यार पहले तो इनको भाई बढ़िया फटाफट से ना पेट्रोल डलवाते हैं। ठीक है भैया, आपका पेट्रोल वगैरह हो चुका है मैडम। बाकी चलो यार रुको भाई, इसको भी पेंट वेंट करवाना पड़ेगा, मतलब पेंट ही इतना गंदा है ना, तो जानबूझ के भाई वो तंग करके जा रहे हैं हमें बच्चे यार। ओके गाइस, कूड़ा उठाने वाले भी आ चुके हैं, अभी इनको बोल देते हैं भैया यहाँ पे रोज आना है आपको, और रोज़ यहाँ पे गंद वंद जो भी है उठा के ले जाया करना। चलो भाई इसको इधर के, इसके ऊपर, अबे इसके ऊपर रुक, तेरी ऐसी तैसी, उठा के नहीं लेके जाएगा वो, फिर इसके ऊपर हमने रख दिया है सब जो सब सामान है वो उठा के निकल जाएगा भाई, बहुत गंदा हो रखा है यार। बाकी गाइज यार आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई, इतना कूड़ा इतना गंद कैसे उठाएंगे भाई हम अकेले? धीरे धीरे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इतनी पैसे की कमाई हो नहीं रही है अपनी कि हम एम्प्लॉयज रख सकें, बट फिर भी भाई क्या ही कर सकते हैं। बाकी चलो मैंने एक रोलर, एक सेकंड, ये पुलिस वाले यहाँ पे क्यों आ रहे हैं भैया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लग रहा है पेट्रोल डलवा नहीं आ रहे भाई। ठीक है ओके ओके, फ्यूल डलवा नहीं आ रहे भाई, मैं ऐसे ही डर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे, रुको रुको पहले कस्टमर का ऑर्डर तो ले लो भाई, कितना डालना है भैया बता दो तो यार। चलो ठीक है, चलो भाई पूरा परफेक्ट डाला है हमने। एक सेकेंड रुकियो, ये कूड़े वाले कूड़ा नहीं ले, तेरी ऐसी की तैसी, इसको भी ले जाता, तेरी ऐसी की तैसी भाई, थोड़ा सा बाहर क्या पड़ा, बंदे ने कूड़ा ही नहीं उठाया और ये बैग भी नहीं उठाया, क्या ही बोलूँ यार मैं ऐसे लोगों को। रुको बाकी मैंने ना एक रोलर खरीदा है भाई, देखते हैं वो रोलर क्या काम करता है। रुको पेंट करने के काम आएगा, बट हमारे पास तो भैया, एक सेकेंड यार। ओके बाकी मैंने ना भाई यहाँ पे पेंट करके थोड़ा सा देखा, इसके मुकाबले यहाँ का पेंट बहुत ज़्यादा ही मस्त दिख रहा है, बट हमें पेंट कौन सा करवाना चाहिए यार वो आप लोग बताओ भाई। यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह भी अब बहुत ज़्यादा मस्त मस्त वॉलपेपर, हेलोवीन क्रिसमस वाले भी वॉलपेपर हैं, सेंटा वेंटा भी यहाँ पे, मैं आपको एक बार ना करके दिखाता हूँ भाई, सेंटा वाला ना क्या ही मस्त दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ भाई। मतलब यहाँ पे भाई अगर हम ये ऐसे टाइप के वॉल, मतलब मैं कर तो नहीं रहा हूँ, मैंने जस्ट आप लोग को करके दिखाया कि कितना ज़्यादा मस्त दिखेगा। रुको रुको एक सेकेंड, ये पुलिस वाले कह रहे हैं, एक सेकेंड, ओके इनको चाहिए पेट्रोल। ओके चलो भैया, यार एक बार फुली करवा लो ना भाई, क्या ही दिक्कत है यार तुम लोगों को। बाकी ना गाइस अपने पास ऑप्शन बहुत सारे, मैंने थोड़ा सा पेंट यहाँ पे भी करके देखा, कितनी बढ़िया शाइनिंग आ रही है यहाँ पे, और रात भी हो चुकी है भाई, आज का कुछ ज्यादा अच्छा बिजनेस तो नहीं हुआ। हाँ बस ये कि हमने 3-4 जानों को पेट्रोल वगैरह बढ़िया डाल दिया है। हम अभी ना गाइस हम ये बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं। अभी आप लोग मुझे अपने आइडिया बताओ, बिजनेस आइडिया बताओ, आप लोग का बिजनेस वाला दिमाग क्या बोलता है? रुको एक ना भाई, मेरे पास ना बैग में ना ये क्लॉक पड़ा था, जिसको कि हमने भाई साहब यहाँ पे लगा दिया टाइम वाइम देखने के लिए। बाकी यहाँ पे पूरी सफाई तो हो चुकी है, बट हमें फ्लोर वगैरह चेंज करने हैं, और यहाँ पे ये जो इतना घटिया दिख रहा है इसको रिपेयर करवाना है, एंड उसके बाद पेंट करवानी है ये वॉल्स वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त दिखने वाला है। उसके बाद लो भैया आपको पेट्रोल डाल देते हैं, और चलो भैया बिल्कुल परफेक्ट हमने इनका पेट्रोल डाला है। और भाई बाकी गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन सा पेंट करवाना चाहिए, और कैसे इस गैस स्टेशन को और बड़ा करके, और क्या क्या बिजनेस हमें करने चाहिए। तो चलो करते गाइज इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को दोबारा शेयर कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।